बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चेरी का जूस बनाएंगे। चेरी का जूस बहुत ही टेस्टी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम चेरी में से सीड रिमूव कर लेंगे। एक स्ट्रॉ लिया है, जिस साइड पे स्टेम लगा होता है चेरी का, वहाँ से आप थोड़ा सा स्ट्रॉ की मदद से प्रेस करें तो सीड इसका निकल जाता है। इसी तरह मैंने सारे सीड निकाल लिए थे और फिर इसे मिक्सी में डाल के 2 से 3 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की थी और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। 1/2 ग्लास पानी भी ऐड किया था। चेरीज में विटामिन ए और सी भी पाए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इससे आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होगी। चेरी को आपके लीवर के लिए बहुत ही मुफीद समझा जाता है क्योंकि यह आपके अंदर ताज़ा खून को पैदा करती है और जो आपके अंदर ऑलरेडी खून है उसकी क्लिनजिंग करती है। चेरीज के अंदर फाइबर बहुत हाई होता है और जो कैलोरीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इसी वजह से ये आपके ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। चेरी जूस का 1 ग्लास पीने से आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपको पुरसकून नींद आएगी। चेरी के जूस में अगर आप पुदीने के पत्ते शामिल कर देते हैं ना तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और ये आपके लिए और भी मुफीद बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1/7 ग्लास में पुदीने के थोड़े से पत्ते डाल दिए हैं और फिर इन्हें थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। क्रश करने के बाद जो मैंने जूस बना के रखा है ना वो 2 ग्लास में ऐड कर दूँगी और इसके बाद हम इसमें थोड़े से आइस क्यूब ऐड कर देंगे। और अब इसमें आप चाहें तो शुगर सिरप ऐड कर दें या फिर आप इसमें कोई भी ड्रिंक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 7 अप ऐड किया है। 7 अप से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और अगर आप शुगर सिरप ऐड करेंगे ना उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये आपकी अपनी चॉइस है। चेरी का जो फ्रूट है ना ये बहुत ही नाजुक सा है और ये बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल होती है, इसलिए आप इसे जूस की फॉर्म में स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।